वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सियासत मनाए, हमारे साथ हैं मुजाहिद बरेली साहब, हमारे मोस्ट सीनियर एंकर, और हम बात कर रहे हैं प्यू सर्वे के बारे में। और मुजाहिद साहब उसको कम्प्लीटली रबिश कर रहे हैं कि ये बातें जो हैं ये बस ऐसी। मुजाहिद साहब, ये इन नंबर्स के अंदर ना जरदारी साहब 11% पॉपुलर हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा सर्वे से इससे निकाल दूं, थोड़ा सा इतना सा मुझे आप वक्त दीजिए, वापस ले आइए सर्वे में, वापस आप लाएंगे, मैं निकाल। मसलन इकॉनमी के बारे में कहा जाता है कि जापान और चीन के बाद इंडिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। हम तो शायद नाकाम तरीन किन मुल्कों में। आइए, अभी मैं एक सर्वे देख रहा था, ये सर्वे क्या, एक रिपोर्ट देख रहा था, और वो मुस्तनद रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया की जो रियासतें हैं 26 हैं, 28 हो गई हैं, उनमें 29 रियासतों में 8 रियासतें अफ्रीका के वर्ष मुल्कों से गई गुजरी हैं। जी, बिहार के बारे में वो ये कहते हैं जिसकी आबादी एक करोड़ जिसकी बिहार के बारे में कहते हैं कि उसकी जो गुर्बत और इफ्लास है वो एरिटेरिया से ज्यादा वर्स्ट है। अब यूपी के बारे में वो कहते हैं जो पाकिस्तान से बड़ा है, जिसकी आबादी 20 करोड़ है, वो कहते हैं जी उसकी इकोनॉमी यानी उसकी जो पर इनकम और फलां और जो सब चीजें जो मिला के करते हैं वो कीनिया से वर्स्ट है। आप अगर अमेरिका में सिर्फ कैलिफोर्निया की रियासत को देख लें तो उनसे ज्यादा अमीर बाकी पूरी दुनिया को मिला के औसतन नहीं होगी, वो तो पूरी दुनिया में ऐसे बटा हुआ है। आप ये सही कह रहे हैं कि इंडिया में जो है वो एक जुडिशियल एक जस्टिसेबल चीज नहीं है, बहुत गरीब है और बहुत अमीर है, लेकिन पूरी दुनिया में सरमायाकारी के निजाम में सरमाया ये कैपिटलिज्म के अंदर होता ही है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है मुईद कि आजकल मुझे नहीं पता कि जो जो सर्वे आ रहे हैं उसमें डिस्पाइट एक हमारा जो कुछ रोल है उसमें एक बहुत ही मैं कहता हूं कि हो सकता है, मैं साजिश नहीं ढूंढ रहा, एक खास अंदाज में पेंट किया जा रहा है पाकिस्तान को और उसके तो वर्ष बोल रहे हैं ना मेरा नहीं। अब आप ये बताइए ना कि जनाब आप कहते हैं कि जी हम जो है अफगानिस्तान से भी वर्ष है, इमरान खान ये कहते हैं अफगानिस्तान में करेंसी नहीं, अफगानिस्तान में एयरपोर्ट नहीं, अफगानिस्तान में बैंक नहीं, अफगानिस्तान पाकिस्तान उसके बाद आ गया। अभी जो एक सर्वे आया था जनाब जो फेल स्टेट थी उसमें अफगानिस्तान के बाद रखा गया था। साहब अफगानिस्तान 7th था, पाकिस्तान 11th। मैं आपको 2 साल पहले बता रहा हूँ, इमरान खान साहब ने कोट किया था मेरे प्रोग्राम में 2 साल पहले, इमरान खान साहब ने कहा, मैंने खान साहब खुद लिखा, मैं यही कह रहा हूं ना, खान साहब तो अजीब अजीब फिगर्स निकालते हैं। मुजाहिद साहब एक वो पाकिस्तानी फौजियों का फिगर निकालते हैं वो $60 पर डे, वो भी बड़ी अजीब सा। खैर उनको उन्होंने पढ़ा होगा, उनके पास उसकी गारंटी भी होगी। हम ये जो आप कह रहे थे ना इंडिया हिंदुस्तान को हम सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, 57% पाकिस्तान समझता है हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, 19% समझता है तालिबान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। मुजाहिद साहब हमारे 35,000 लोग मर गए वो दुश्मन नहीं है, वो 57% पाकिस्तान इंडिया को दुश्मन समझता है। तालिबान से पाकिस्तान के अवाम खासतौर पर जो सबसे ज्यादा विक्टिम है खैबर पख्तूनख्वा की दुश्मनी नहीं होती। तो जनाब मैं उन इलाकों में गया हूं और आपको अगर मुईद इल्म हो 2 साल पहले ये सूरत हाल थी कि मालाकंड और सवात के बारे में तो कब्जा हो ही चुका था, लोग कह रहे थे पिशावर पे दस्तक दे रहे हैं, इस्लामाबाद पे आने की बात है, कराची में जो है लोगों कह रहे थे गाड़ियों में तेजाब फेंकना शुरू कर दिए थे लोगों ने, ये सूरत हाल बताई गई थी। और फिर हम उस इलाके में गए हैं जब मालाकंड से जो है 30 लाख लोग आए, लोगों ने कहा ये वापस नहीं जाएंगे, सवात के लोग वापस नहीं जाएंगे, सवात में जी इस्लाम है और खुशबुएं आ रही हैं उनके पास से। जब उनको वहां से निकाला गया भगाया गया, किधर है आज मंगलबाग जुम्माबाग, किधर है मुस्लिम नॉन मुस्लिम खान, किस तरह उनके साथ जो क्या है वहां का खैबर पख्तूनख्वा के लोग आए। और अगर तालिबान तालिबान के हक में कोई मुजाहरा कर देना, तालिबान के हक में कोई जुलूस निकाल देना लोग, जमात इस्लामी क्या करते हैं? नहीं नहीं जमात इस्लामी इमरान खान साहब क्या करते हैं? वो ये करते हैं, हम ये हम इनको इनकी इस एक्ट को पसंद नहीं करते। जमात इस्लामी सारा शोर जो मचाती है वो इनकी तरफ कमर करके मचाती है, दूसरी तरफ मुंह करके मचाती है। शहबाज शरीफ साहब अग्यार से नहीं लेंगे, दुश्मन देख लो कौन है, ये नहीं बताते दुश्मन कौन है, अग्यार बना दिया अमेरिका को, अमेरिका से हम एड नहीं लेंगे और दुश्मन वही है, दुश्मन तालिबान नहीं है, तालिबान को बख्श दो पंजाब को, एक तरफ ये। इमरान खान साहब जी ये जंग तो फौरन खत्म हो जाएगी, सारे खुद कुछ खत्म हो जाएंगे, 30 दिन में सब खत्म हो जाएगा, ये सब दोस्ती तो कर रहे हैं तालिबान के साथ, इसीलिए तो ये फिगर है 19%। देखिए एक तो मोहित जो लोग कभी पावर में ना आए ना उनके जो इस तरह की बयानबाजी होती है तो होता ही बहुत पावर में आए शहबाज शरीफ नहीं, इमरान खान साहब क्योंकि नहीं नवाज शरीफ साहब पे तो आजकल लान तान उनकी जो है बड़े वो जो उनके जिहादी कॉलमिस्ट कर रहे हैं कि मियां साहब ने इंडिया के हक में कह दिया था कि साहब इंडिया से तो हमारे हम तालुकात बेहतर करेंगे, मियां साहब जो है मैं तो कहता हूं उनका सबसे बेहतर एक्ट ये था कि उन्होंने वाजपेयी को लेकर मीनार पाकिस्तान गए थे, मियां साहब की पॉलिटिक्स का शायद सबसे बेहतर पहलू यही था कि उन्होंने कहा जी वॉर से काम नहीं चलेगा क्योंकि, लेकिन उस वक्त मियां साहब को वो चीजें सूट कर रही थी। बदकिस्मती से पाकिस्तानी सियासत का ये अलमिया है, आपको याद होगा कि जब राजीव जब बेनजीर भुट्टो ये जो हमारे वाजपेयी के पास जब नवाज शरीफ गए तो बेनजीर भुट्टो ने रावलपिंडी के जलसे में चूड़ियां उठा के फेंक दी, और जब राजीव गांधी ने बेनजीर भुट्टो से इस्लामाबाद में हाथ हिलाया तो नवाज शरीफ ने कहा इसका हाथ नापाक हो गया, मैं आइंदा मिलूंगा नहीं।
और ये तो यानी ये सियासत हमारे इस बुनियादों पर तो सियासत होती रही है। मुई जाफरी साहब मेरे पास तो उनकी अगर वही तो कह रहा हूँ भाई, मुझे बताएं 57% पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि इंडिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी थ्रेट है, जबकि तालिबान 19% मुझे था अलकायदा 5% ये मेजर हारून रिटायर्ड ये बाकी सब लोग मिला मिलो के वो 5%। मैं कह रहा हूँ कि आप फिर इस मजहब का खेस जो सर्वे जिस तरह सामने आया है जो एदाद शुमार दे रहे हैं इससे ये ठीक है कि इस पर बात इसलिए करनी चाहिए कि ये बताना चाहिए कि हमारे एक कुछ लोग इनको कोट भी करने लगते हैं। मैं भी कोट करूंगा, मैं इसको कोई मजाक का खेज नहीं समझता, मैं इसको ये मजाक का खेज है। 15% तालिबान जो है मेरे हिसाब से 58% एंटी इंडिया है। नहीं मुझे 57% एंटी इंडिया मैं बिल्कुल मानता हूँ कि लोग होंगे, आप अगर चलते फिरते एक आदमी को हाँ महज एक जबान एक आवाज यही ऐसे ही है कि जब आप कहें कि अब्दुल सत्तार ईदी कैसे आदमी है 100% ये कहेंगे, और आप कहेंगे अब्दुल सत्तार ईदी आपके एमपी होंगे तो शायद 10% भी ना हो। ये ऐसे ही है कि इमरान खान को कहेंगे जी बहुत कहेंगे अजीम क्रिकेटर है। जमहूरियत के खिलाफ सबसे जो बेहतरीन बहस के अंदर सबसे जो बेहतरीन बात की जाती है ना वो ये की जाती है कि जनाब 5 मिनट बात कर लो वोटर से। The best conversation, the best argument against democracy is a 5-minute conversation with the average voter. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इस सर्वे की नियत में शक नहीं करता। नहीं, मैं नियत पे भी शक करता। मैं आप करते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ मैं नियत पे शक नहीं करता, लेकिन मैं इस सर्वे के पार्टिसिपेंट्स का कि मैं इस बात से तकरीबन मैं कन्विंस्ड हूँ कि जी पूछा हाँ वो भी है हाँ वो भी है। मेरे ख्याल में अक्सर लोगों ने ऐसी गुजरते हुए एक जवाब ऐसे दे दिया जिसको शायद सोचा नहीं संजीदगी से। इसी में इनकी नियत पे बात कर रहा हूँ मुई जाफरी, कि जब इस तरह के सर्वे उनके जहन में एक खाका होता है कि हमें इस तरह के रिजल्ट लेने हैं। ये भी हमें थोड़ा सा तजर्बा है कि आमतौर पर ये सर्वे जो कराते हैं एक खास मकासद के तहत, मैं कोई मैंने कहा साजिश के तहत नहीं, मकासद के तहत कि उन्हें ये रिजल्ट चाहिए होते हैं। और आप किसी को भी दे दें, अगर आप जिस तरह का सर्वे चाहते हैं मुई साहब आप कह दिए किसी भी को कि भाई मुझे इस तरह का चाहिए और वो आपको मिल जाएगा। हमने तो इसी तरह, लेकिन इसके अंदर अगर आप सारे नंबर्स देखें तो इसके अंदर काफी तरीके के नंबर्स भी हैं। जब इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म ये जंगजू जिहादीनेस जिसको इस्लाम के साथ जोड़ दिया जाता है, इसके बारे में आप कितने परेशान हैं, तो 2009 में 80% तकरीबन परेशान थे, 2010 में 65% जो थे वो इससे परेशान थे, और 2011 में 63% परेशान है। कम हो रहा है, ये एक तश्वीशनाक बात है, लेकिन फिर भी अक्सरियत पाकिस्तान की परेशान है। और दूसरी बात ये 2009 में इसलिए 69% परेशान थे, इसलिए उस वक्त वो सवाद की डील कट हो रही थी और उस वक्त उनको बकायदा इंटरनेशनल मीडिया भी देखती। ये मेक सेंस, लेकिन ये इसको मजीद आगे जाए ना, मजीद देखिए परेशान तो हर आदमी, किसी से पूछो जी आप लोड शेडिंग का तो परेशान है, मेरे घर में बिजली आ रही है मेरे घर में, और मैं भी कहूँ हाँ यार मैं बड़ा परेशान हूँ। कुंडा लगा के मेरे घर में सब कुछ काम हो रहा है, ये जो इस तरह की सवाल ही वेग है कि जंग जो हर आदमी परेशान। बात मुईद हमें वो बुनियादी ये करनी चाहिए कि एक जो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए कहना भी चाहता हूँ, हमारे यहाँ इन सर्वे की बुनियाद पर आप कोई ना तो पॉलिटिकल लीडर बड़े होते हैं, ना इन बुनियादों पर आप इस बात का तजिया कर सकते हैं कि ये सियासी पार्टी आइंदा इलेक्शन से गायब हो जाएगी, ना इस बुनियाद पर आप ये समझते हैं कि कल जो है वो ये सब मिलकर जो है बेचारे आसिफ जरदारी जिसके 7% लोग हैं 80% लोग सड़कों पर आ जाएंगे। तो इस तरह के तबसरों और तजियों के जरिए ये कुछ चीजें तो मुझे ये कह रहे हैं मिलिट्री ग्रुप्स पोली रिगार्डेड, ये जो मिलिटेंट हैं ये जंगजू जो हैं इनके पाकिस्तानी आवाम सपोर्ट नहीं करती, लेकिन फिर कहती है कि 12% अलकायदा को सपोर्ट करते हैं, 18% अलकायदा को सपोर्ट करते हैं, 28% कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि हम सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, 9% कहते थे कि हम अलकायदा को सपोर्ट करते हैं, 30% कहते थे कि हमें पता ही नहीं है। सर फिर अलकायदा छोड़ दें, ये इसके अंदर जमात इस्लामी का भी हाथ है, वो जिहादी बना देते हैं, उसामा बिन लादन को बहुत बड़ा गाजी बना देते थे, अब बहुत बड़ा शहीद बना रहे हैं, लेकिन अगर सियासत से हटे हुए ये जो तहरीक तालिबान है इनका अगर कोई इनके खिलाफ नहीं बोल रहा तो कोई इनके साथ भी तो कम अज़ कम जोर के नहीं बोल रहा, लेकिन उसके बावजूद तालिबान के लिए 12% पाकिस्तान फेवर में नहीं, कैसे हो सकता है? लेकिन मैं मुहीद आपको बता रहा था कि 1970 से लेकर आज तक पिछले 42 सालों के इलेक्शन में मजहबी जमातों के वोट 5% से ज्यादा नहीं हुए। मजहब से ताल्लुक ही नहीं है, मैं तालिबान का साथ देने की बात कर रहा हूं, तालिबान के साथ भी हो जाए ये दीनी मजहबी जमातों के, मजहबी जमातों की बात ही नहीं है क्या? आप चलते फिरते रोड पर एक आदमी को रोक रहे हैं, उसे पूछ रहे हैं हाँ भाई तालिबान, वो कहते हैं उनमें से 12% 100 में से 12 लोग कह रहे हैं कि हाँ यार ठीक है। देखिए मैंने कहा ना कि ये जो आप तालिबान का लफ्ज़, मैं तालिबान का लफ्ज़ इसलिए इन दीनी मजहबी जमातों के नाम से जोड़ रहा हूँ कि माजी में ये इन्हें पैटर्नाइज करते रहे हैं, इनका ये एक फेस है भी बाद ये बैकग्राउंड अपने ये सॉफ्ट फेस रखते हैं सामने। जब आती है कि हम ज़रा डिटेल में बात करें ना, डॉक्टर आफिया मजलूम है ज़रा अगर आप उनकी तफसील बताना शुरू करें कि अच्छा उनके उन्होंने उनके शौहर कौन है, उनके दूसरे शौहर कौन थे,
और वो क्या अगर आप जरा डिटेल में उनका मालूम करें, जब ये आर्गुमेंट करेंगे तो 10-12 लोग उसको खामोश हो जाएंगे। मैंने भी देखा मोहम्मद से क्या रिश्तेदारी थी। तो ये जो है आप इस बुनियाद पर जो है एक फ्रेज में, मतलब अगर आप ऐसी कोई मेरे बारे में पूछ लेंगे जी मुझे साहब कैसे हैं, तो अगर हो सकता है 8-10 बात लोग कहें जी बड़े आवारा किस्म के आदमी है, हमने तो कभी उनको जी इस तरह यानी गाना गाते हुए देखा है फला, यानी बेशुमार बातें मेरे बारे में ऐसी कह देंगे जिसकी बुनियाद पर आप एक मेरी मुझे पता नहीं कोई 6% वोट ले लेंगे। और मोहित साहब क्योंकि बड़े ठीक ठाक चल के रोज आते हैं, उन्हें पता चला कि 60% वोट मिल जाएंगे, वो कहेंगे जी तो उनकी तो रेटिंग बहुत आगे है आपकी। ये जो तो पाकिस्तानियों से पूछा गया सबसे बड़े आपके मसाइल क्या है, तो उसके ऊपर जरा गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ऐसे में चिट्सीएनबीसीपाकिस्तान.com पे लेके भेजिए। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।